नागपुर शहर में कोरोना की बढ़ती संख्या देखते हुए और कोरोना के बढ़ते डेथ देखते हुए हमने भी नए मेजर्स लिए हैं। उसमें से डेथ क्यों हुए इसका एनालिसिस करने के साथ हमें पता चला कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स है उनका लेट रिपोर्टिंग टू द हॉस्पिटल ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा लेके आ गया है। इसकी वजह से लोगों के मन में जो डर है वो निकालने के लिए हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन बंद कर दिया है। अब होम क्वारंटीन ही होगा और उसके साथ असिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट जो है वो होम आइसोलेशन ही होंगे। लोगों ने जल्दी से जल्दी टेस्ट करवाना चाहिए और जो पॉजिटिव सिम्टम है कॉफ फीवर ब्रेथलेसनेस अगर ऐसा किसी को भी मिलता है तो तुरंत डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, एनएमसी कंट्रोल रूम को बताना चाहिए और टेस्ट करवा लेना चाहिए। अभी टेस्ट पहले हमारे गवर्नमेंट के लैब जो थे उन्होंने बढ़ाई है, प्राइवेट लैब भी आई है और अब हमने टेस्टिंग सेंटर कोविड टेस्टिंग सेंटर एट द डोर स्टेप एक कंसेप्ट लाके डिसेंट्रलाइज मैनर में शहर के अलग अलग इलाकों में 21 जगह पे आई रिपीट 21 प्लेसेस पे एक टेस्टिंग सेंटर एनएमसी ने चालू किया है। इसमें से कुछ सेंट्रलाइज लोकेलिटी में है, कुछ अलग अलग है। इसमें से 15 पीएचसी है और उसके साथ 6 जो हमारे पहले सीसीसी से वो सीसीसी पे जैसे कि पासपावली है, एमएलए हॉस्टल है, हमारा लॉ कॉलेज है, वीएनआईटी है, यहाँ पे हमने वो 6 सेंट्रलाइज कोविड टेस्टिंग सेंटर चालू कर दिए हैं और 15 पीएचसी में ये कोविड टेस्टिंग चालू कर दिए। वहाँ पे वॉक इन आप जा सकते हैं, कौन टेस्टिंग कर सकता है यहाँ पे जो पॉजिटिव पर्सन के कॉन्टैक्ट पीपल है जिनको आईएलआई लाइक जैसे कि फीवर कॉफ ब्रेथलेसनेस के सिम्टम्स है, जो कोमॉर्बिड है, जो हाई रिस्क है और जो सारे पेशेंट्स हैं, ये सब लोग ये 5 कैटेगरी में के वहां जाके टेस्ट करवा सकते हैं। आपको वहां टेस्ट का रिजल्ट आधे घंटे में मिलेगा। टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आपको एमएलए हॉस्टल वहां जो सेंट्रलाइज फैसिलिटी है स्क्रीनिंग के लिए, जो टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद जो स्क्रीनिंग मैंडेटरी है वो करने के लिए हम भेजेंगे। वहां पर शायद आपको उसी दिन डिस्चार्ज किया जाएगा या एक रात आपको रुकना पड़ेगा रिपोर्ट आने तक। वो रिपोर्ट आने के बाद अगर असिम्प्टोमेटिक हो तो होम आइसोलेशन हो गए, माइल्ड असिम्प्टोमेटिक हो तो भी आपको होम आइसोलेशन हो सकते हैं, लेकिन माइल्ड के साथ आपको कुछ कोमॉर्बिडिटी है तो आपको हॉस्पिटल में निगरानी रखा जाएगा। जो माइल्ड असिम्प्टोमेटिक है या असिम्प्टोमेटिक है लेकिन घर में रहने की जगह नहीं है, जो होम आइसोलेशन नहीं हो सकते, जैसे कि जो भी मेस क्लब में रहते हैं उनको हम सीसीसी में अपॉइंट करेंगे। जो लोग अच्छे हैं उनको गवर्नमेंट सीसीसी में नहीं रहना है, उनको पेड सीसीसी हमने होटल में करवा दिया, तो वो पेड होटल में रह सकते थे, वहां पे उनको खुद को पेमेंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ हमने प्राइवेट हॉस्पिटल भी शुरू की है। अब तक हमारे यहाँ 10 हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लेके जैसे कि जीएमसी है, आईजीएमसी है, एम्स है, लता मंगेशकर हॉस्पिटल है, उसके साथ प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमने ओपन किए। ऐसे 10 हॉस्पिटल हमारे आज भी कोविड के लिए चालू है, वहां बेड्स अवेलेबल है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा पाया गया है कि जो असिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट है वो हॉस्पिटल के बेड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसके आगे कोई सा भी असिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट हॉस्पिटल का बेड ऑक्यूपाई नहीं करेगा, सिर्फ जो सिम्टोमेटिक है वो मॉर्बिड कंडीशन से आता है, मॉडरेट है, सीवियर, ऐसे ही केसेस सिर्फ हॉस्पिटलाइज किए जाएंगे, बाकी के या तो सीसीसी में रहेंगे या होम आइसोलेशन में रहेंगे। ये सब फैसिलिटी हम इसलिए कर रहे हैं कि नागरिकों ने खुद आगे आके आपका टेस्ट करवाना है, पॉजिटिव है तो होम आइसोलेशन या इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल जो जरूरत उस कैटेगरी के हिसाब से उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा और आप इससे बाहर आ सकते हो। लेकिन अगर आप उसमें देरी करते हो तो ट्रीटमेंट भी कुछ काम नहीं करेगा, इसलिए जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी ये रिपोर्ट करना है, टेस्ट करवा के लेना है और आपको रिकवर होना है, इससे हम डेथ को रोक सकते हैं। इसलिए खुद को बचाइए, आपके फैमिली को बचाइए, सिटी को बचाइए, डेथ से बचिए और कोरोना वॉरियर बनिए, कोरोना स्प्रेडर मत बनिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये सब फैसिलिटी
कोविड टेस्टिंग सेंटर एट योर डोरस्टेप, सीसीसी आपके लिए है, हॉस्पिटल आपके लिए है, इसका यूज कीजिए। ये डिजीज है, इसको हाइड मत कीजिए, खुल के सामने आके बताइए और रिकवर होके सिटी को भी रिकवर कीजिए।